Good morning. In this lecture, we will discuss balancing of dispropionation reaction. This is a special type of redox reaction. तो types of redox reaction के लिए अलग मैं एक video बनाऊंगा. तो उसकी एक type है ये dispropionation reaction. ये क्या होती है? वो reaction in which one element undergo oxidation as well as reduction. मतलब एक ही element जो है उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसकी जो है वो रिडक्शन भी हो जाए. जैसे इसका मतलब है जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी होगी इट मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अगर उसकी रिडक्शन होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा. इसका मतलब जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी कम से कम तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होनी चाहिए. एक ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो खुद है एट प्रेजेंट. जब एक बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर एक नई आ जाएगी, जैसे कम होगा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट और आ जाएगी. तो वो एलिमेंट जो है कम से कम उसकी तीन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए. वही एलिमेंट जो है वो एट अ सेम टाइम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है शो कर सकता है. और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो तो एक ही एलिमेंट कॉमन उसी की ऑक्सीडेशन उसी की रिडक्शन, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन. ये इम्पोर्टेंट है काफी. अब देखो ये रिएक्शन इसकी एक एग्जांपल है. तो इसमें मान लो इसका P4 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है. जैसे वो ऑक्सीजन O2 होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, सल्फर जो है वो S8 होता है ऑक्टाटॉमिक. तो ये एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहता है. इस P का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो -3 हो जाएगा. इस P का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो वो +1. अब देखो फास्फोरस की तीन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 0, -3 एंड +1. तो ऐसा एलिमेंट ही ये रिएक्शन शो करेगा. अब एक जगह पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आप देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना. कितना डिक्रीज हो रहा है? 3. तो अब इसमें अभी एक बार ये मत देखना, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं कैसे इसको ऑक्सीडेशन नंबर में एक्यूरेसी करने. अब यहां पे 4 है, यहां पे 4 मत लगाना, ठीक है? लगा भी लोगे तो क्या होगा, बाद में सबको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किसी कॉमन नंबर से. तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, इसका मतलब ये इसकी रिडक्शन होगी. पहले बता रहा हूं डिसप्रोपेनेशन कैसे हुई है. अब यही P4 जो है यहां पर देखो आप ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 1, तो ये इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन. तो अब इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसकी रिडक्शन भी हो रही है. तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोरिनेशन रिएक्शन. ओके, तो अब इसको बैलेंस करने का क्या ट्रिक है? सिंपल, जैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज पता चल गया, डिक्रीज हो रहा है 3, इंक्रीज हो रहा है 1, तो आप इसको स्वैप कर दो. जैसे इसके हिसाब से डिक्रीज हो रहा है तो ये 3 जो है ये यहां चला जाएगा, ये जो 1 है ये यहां चला जाएगा, ठीक है? उल्टा करते इसको, जैसे हम पहले करते थे ना 3 × 1, तो यहां 1 आ गया, 1 × 3, तो यहां 3 आ गया, ठीक है? अब इस रिएक्शन को हम फिर से लिख लेते हैं, तो P4 चेंज इनटू PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव. अब हमें इसमें बैलेंस करना है, मीडियम बेसिक दे रखा है. ओके, और बेसिक मीडियम में हम क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं? वाटर. और बेसिक मीडियम में हमें ये पता है कि पहले हमें क्या बैलेंस करना होता है? हाइड्रोजन. और एट दी एंड हमें क्या बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन. ये सीक्वेंस रहता है इसमें बेसिक मीडियम में. तो अब इस रिएक्शन में पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन यहां पर है 3 और 6, 9, यहां पर कुछ भी नहीं है तो आप 9 OH लगाओगे, तो ये आपके हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड सेम हो गए. वाटर नहीं आप लगा सकते क्योंकि 9 जो है वो ऑड नंबर है. 10 होता तो 5 वाटर लगा देते, 8 होते तो 4 वाटर लगा देते. अगर 9 हाइड्रोजन है तो हमें वो अच्छी लगाना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन के लिए हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन है. अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का ट्रिक था. अब यहां पर ऑक्सीजन कितनी है टोटल प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन है 6, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास है ऑक्सीजन 9. तो क्या बताया था मैंने, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो उस साइड लगाने हैं वाटर. कितने वाटर लगाने हैं हमें? जितनी ऑक्सीजन ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 वाटर. ऑपोजिट एंड पे क्या लगाएंगे आप? उसका डबल हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक हो गया? तो अब ये इक्वेशन हो गई आपकी.
अब हम इसको इसमें देखते हैं कॉमन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ तो उसको काट दें। जैसे यहाँ पे 6OH कट जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे सिर्फ 3OH नेगेटिव, तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी P4 3OH नेगेटिव 3 वाटर PH3 एंड 3H2P2 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम में। तो ये सिंपल सा ट्रिक है इस प्रोपेनेशन को ऐसे बैलेंस करने का। अब अगर हम सिंपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें इसी इक्वेशन को, तो वो कैसे करेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं, रिडक्शन को अलग बैलेंस करते हैं ना। तो मान लो ये रिएक्शन है आपको दे दी, तो ये था -3, ये था +1, इसमें ये किया थी आपकी रिडक्शन और ये आपकी क्या थी ऑक्सीडेशन। पहले हम ले लेते हैं चलो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, P4 किसने चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज हो रहा है आपका H2PO2 नेगेटिव में, कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 1 ना, 0 से 1 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पहले P बैलेंस करना है ना, सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉर 1 P है ना। जब हम यहाँ पे 4 लगाएंगे बिकॉज 4 P आर देयर, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, क्लियर। तो अब नेक्स्ट इज हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे 4 वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है ना, तो क्या करेंगे, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, 4 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 4 वाटर लग गए। उसके बाद इस साइड डबल OH नेगेटिव 8 लग गए, तो ये तो कट ही गया, तो सीधा सीधा आपका इक्वेशन क्या बन गया फाइनल, P4+8OH नेगेटिव टू फॉर्म 4H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई, बैलेंस हो गई, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना। ये अब आपकी बैलेंस है, चेक कर लो, P4 4 है, हाइड्रोजन भी 8 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में भी 8, ऑक्सीजन भी 8, उधर भी 8। ओके, नाउ कम टू द रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में फिर P4 है, अब इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, या अब ये 3 जो है वो 1P के लिए है, अगर यहाँ पे भी आप 4P कर दोगे तो ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 4 12, है ना, जो मैंने ऑक्सीडेशन में नहीं किया था, वहां पे ट्रिक था, डायरेक्ट हो गया। अब ये बन गया P4+12 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4PH3, ठीक है, क्योंकि 1P का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, 3 डिक्रीज हो रहा है, तो 4 के लिए तो 12 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इस साइड है 12, तो आप क्या करोगे, इसमें 6 वाटर लगा दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर 6 ऑक्सीजन है तो 6 और वाटर लग जाएंगे, है ना, उधर तो 0 है, तो 12 क्या लग जाएंगे यहाँ OH। अब इस रिएक्शन को फिर से लिखेंगे तो ये बन जाता है P4 12 वाटर 12 इलेक्ट्रॉन 4PH3 12 हाइड्रोक्सल आए। तो ये आपकी जो है दूसरी रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड ऐड करोगे तो ये फिर गैसिंग में फाइनल रिएक्शन, ठीक है। ऐड करने से पहले हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है। तो फर्स्ट रिएक्शन है, इस सारी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही बनेगा 12। तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको यहां लिख रहा हूं, P4+24OH नेगेटिव आयन टू फॉर्म 12H2PO2 नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अभी इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन। इसको जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां, P4+12 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4PH3+12OH।
अब दोनों को कर देते हैं ऐड। 12 इलेक्ट्रॉन कट गया है ना। अब यहां से बन जाएगा 3 + 1 = 4, 4 + 4 + 12 + 24 OH, 2 + 12 H2PO2- + 4 PH3 + 12 OH-। अब जो चीज कॉमन है उसको काट दो। यहां पे 12 OH है प्रोडक्ट साइड, तो ये 12 OH कट गए। यहां यहां पे कितने बचे हैं हमारे पास 12। तो रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं 4P4 12 water 12 hydroxyl ion 12 H2PO4 2 negative। अब PO2 2 negative प्लस 4 आ जाएगा हमारा PH3। अब सारी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट स्मॉल हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा भाई P4 3 water 3 OH negative, और 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया हमारा 3 H2PO2 negative + 1 PH3। तो ये रिएक्शन आपकी जो बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन आपकी फाइनल है। इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे जैसे हम पहले मेथड यूज करते थे। ये भी एक मेथड है, जैसे हम नॉर्मली मेथड यूज करते हैं, इतनी इक्वेशंस मैंने करवाई उस हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो ये P4 है, तो क्योंकि इसकी एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन हो रही है, तो मैं इसको दो बार लिख रहा हूँ P4 P4, ठीक है। तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका -3, इसका +1। तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो जीरो से 3 जा रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ बाय कितना लिखेंगे, P4 है तो इसको भी 4 कर दो, तो ये बन गया 12। और इस केस में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय कितना, यहाँ P4 है 0 से 1 जा रहा है, तो अगर 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4। समझ में आ गई, जैसे हम पहले करते थे। अब 4 और 12 को बैलेंस करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 यहाँ आ गया। अगर यहाँ 3 आ जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 × 3 = 12। अब इस रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, ये बन गया P4 3P4। अब मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ 4P4, ठीक है, फिर इकट्ठा कर दिया, ये बन गया हमारा 4PH3, ये बन गया 12H2PO2-। बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन फास्फोरस बैलेंस हो गया, आप देख सकते हो 16 16 दोनों साइड है। अब हाइड्रोजन इधर 12 12 36, तो 36 हम 18 वाटर लगा देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 36 बोथ साइड। ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट में कितने हैं, 12 2 = 24, इधर कितने हैं 18, इधर 6 ज्यादा है, तो क्या करें 6 वाटर, और दूसरी साइड पे क्या लगाते थे, डबल OH, होगी बैलेंस। अब जो कॉमन है उसको काट दो, यहाँ वाटर 6 है तो यहाँ 12 रह गए। क्वेश्चन को फिर लिख रहा हूं मैं P4 4P4 + 12 water + 12 OH negative 2 form 4PH3 + 12 H2PO2 negative। अब 4 से डिवाइड कर दो, आपकी फाइनल इक्वेशन आपके हाथ में P4 + 3 water 3 OH negative 2 form PH3 और 3 H2PO2 negative। तो ये आप हमारा मेथड है जिससे हम पहले बैलेंस करते थे। तो इसके 3 मेथड मैंने आपको बता दिए कि इस इक्वेशन को हम कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है, और हमारा कन्वेक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो ये है, चेंज टू नंबर 2 वाली है, ClO negative + Cl negative, है ना। तो इसका भी मीडियम है जो वो बेसिक है, तो आप इसको पहले डायरेक्ट मेथड से, इसको ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे क्लोरीन का निकालोगे +1, इसका -1। अब देखो क्लोरीन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन
ओके, और इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय वन भी आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो दोनों वन वन है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ना, इसी को कुछ मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी वन से करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो एज इट इज रह गई। तो इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूँ एज इट इज, कुछ नहीं करना। अब देखो आपकी क्लोरीन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ही है, दो क्लोरीन रिएक्टेंट में और दो ही क्लोरीन प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट काम जो करना है वो है बेसिक मीडियम में बैलेंस। बेसिक में पहले बैलेंस होती है हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है तो उधर जीरो, तो क्या करेंगे एक वाटर लगा दे और इस साइड क्या लगा दे हम दो OH नेगेटिव, तो ये रिएक्शन आपकी जो है बैलेंस होगी। ऑक्सीडेशन नंबर में ये ट्रिक क्या ट्रिक यूज करो। ओके, अब जो दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन उससे करेंगे। रिएक्शन क्या थी, Cl2 Cl2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए इसके 0+1 एंड -1। पहले आप ले लो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कौन सी है भाई ये, तो आप लिखोगे Cl2 Cl2 नेगेटिव प्लस, अगर वन इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो 2 लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितने उस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड है तो 2 वाटर लग जाएंगे और इस साइड पे क्या लग जाएगा भाई आपका 4OH नेगेटिव। चेक कर लें एक बार बैलेंस हो गई। अब इसको फिर से लिख लेते हैं Cl2 4OH नेगेटिव 2 Cl2 नेगेटिव 2 वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी जो है बैलेंस हो गई। अब रिडक्शन हाफ करेंगे भाई, रिडक्शन हाफ में क्या दिया है Cl चेंज हो रहा है इसमें, तो लिखेंगे हम Cl2 टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2 Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड, ऐड करने से पहले क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कॉमन है तो काट दो। ओके, तो अब लिखें Cl, तो ये बन गया हमारा 2Cl2 4OH आ गया इस साइड, दूसरी साइड क्या आ जाएगा 2Cl2 नेगेटिव और 2Cl नेगेटिव प्लस 2 वाटर आ जाता है। सारी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, Cl2 2OH नेगेटिव Cl2 नेगेटिव Cl प्लस 1 वाटर। तो यही रिएक्शन जो है पहले बनी थी आपकी, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम जो डिसप्रोपेगेशन रिएक्शंस होती हैं, उनको हम इस तरीके से जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ट्रिक लगानी वहां पे, लेकिन जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसको आप थोरली जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही आप उसको करोगे। इसका तीसरा मेथड भी है जैसे नॉर्मल कन्वेक्शनल ऑक्सीडेशन मेथड, Cl2 को दो बार लिख लिया जैसे उसमें P4 को लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 कर दिया, यहाँ पे 2 लगा के डिक्रीज बाय भी 2 कर दिया। अब फिर से लिखता हूँ रिएक्शन को Cl2 प्लस Cl2 2 फॉर्म, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें तो ये बन जाता है भाई 2Cl2। ओके, दूसरी साइड किया जाता है 2Cl नेगेटिव प्लस साथ में 2Cl नेगेटिव। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है वो तो इसमें है नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इस साइड कितने ऑक्सीजन है 2, तो हम यहाँ पे 2 वाटर लगाएंगे और इस साइड क्या लगा देंगे 4OH नेगेटिव आएगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको फिर से लिखते हैं तो 2Cl2 प्लस 4OH नेगेटिव 2 फॉर्म, 2Cl2 नेगेटिव 2 वाटर प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव 2 फॉर्म Cl2 नेगेटिव वाटर, पहले Cl लिखें और एंड में लिख दें वाटर, तो ये रिएक्शन आपकी इस मेथड से भी जो है वो बैलेंस हो गई। तो इसके भी 3 मेथड्स हैं, शॉर्टकट मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।